हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपेंद्र सिंह मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो आज राजस्थान बोर्ड वालों का मैथ्स का पेपर था उसका पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो आज का पेपर का अगर अपन एनालिसिस करें तो पेपर देखो बिल्कुल ईजी था। जब एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था तो सेंटर के बाहर मैं बच्चों से मिला था। बच्चे बोल रहे थे कि सर पेपर थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन पेपर में देखो बात यह है कि पेपर पूरा बुक में से है, बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। तो अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की थी तो पेपर बिल्कुल टाइम पे हो जाता और बिल्कुल आसान है, और मेरे हिसाब से आपने सबने किए भी होंगे पूरे पर्सन, और अच्छे नंबर आने वाला पेपर है। पूरे 100 में से 100 आने वाला पेपर था आज का। तो अपन शुरू करते हैं देखो इसका सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने को एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 का मान पूछा है, और फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x+9। तो एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 का मान निकालना, तो आपको देखो एफ इनवर्स 8 को एक बार एक्स मानना था, मान लिया। तो यहाँ से 8 बराबर हो जाएगा एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू रख दो, फंक्शन आर से आर में डिफाइंड था, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x+9=8, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस इसको इधर लेके आओ 1=0। श्रीधराचार्य से एक्स की वैल्यू निकालो, -b + -b² यानी 5 का स्क्वायर 25, -4 × a × 1 फोर एस सी, तो ये हो जाएगा 25 - 4 = 21 / 2 × a। तो ये तो आया आपका x का मान, लेकिन x आपने माना था f इनवर्स 8 को, तो f इनवर्स 8 का माना गया -5 + -√21/2, दो वैल्यू आई। ऐसे f इनवर्स 9 को एक बार x मान लो, तो लेट f इनवर्स 9 बराबर x, ये माना था, ऐसे 9 बराबर एफ एक्स की वैल्यू रख दो, 9 बराबर x² + 5x+9, 9 से 9 कट गया, और x इसमें से कॉमन ले लो, x + 5=0। तो x की दो वैल्यू आई 0 और -5, लेकिन x आपने f इनवर्स 9 माना था, तो f इनवर्स 9 की दो वैल्यू आई 0 और -5। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं। दूसरा प्रश्न इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से था कि 2 tan inverse x + tan inverse x³ का मान निकालना था। तो बहुत आसान सा प्रश्न था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना था। 2 tan inverse x + y / 1 - xy, ये तो होता ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का 1 माइनस, तो ये हो जाएगा देखो 2 tan से tan inverse एलिमिनेट हो गया, और ये बचा ऊपर से x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 + x², और ये 1 - x⁴ है, 1 - x⁴, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - x² × 1 + x² a² - b², तो 1 + x² 1 - x², तो ये सॉरी इससे ये गया 2x / 1 - x² ये आ गया। तीसरा था मैट्रिक्स का प्रश्न, तो देखो आपको कंपेयर करना था, तो दोनों बराबर मैट्रिक्स है, तो यहाँ से k+4 का मान तो a है, तुलना करने पे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट की तुलना करने पे k+4 का मान a, और k-6 का मान -4, तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, 6 - 4 = 2, ये k की वैल्यू 2 इसमें रख दो, तो a बराबर हो जाएगा 2 + 4 = 6, a का मान 6, ये था। चौथा प्रश्न था, बस आपको डेफिनेशन पूछा है कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आयु को परिभाषित कीजिए, डिफाइन करना है। तो व्युत्क्रमणीय का मतलब नॉन सिंगुलर, तो देखो परिभाषा ये लिखनी थी, एक वर्ग आयु है a, व्युत्क्रमणीय आयु कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी यदि उसकी सारणिक का मान 0 नहीं हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए एक वर्ग आयु की सारणी का मान 0 नहीं होना चाहिए। एंड अव्युत्क्रमणीय आयु है क्या कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स
ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। तो आपको ये परिभाषा लिखनी थी। तो ये एक नंबर का प्रश्न में इतना ही था। पांचवा देखो कि अंतराल माइनस वन से वन में एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन न तो वर्धमान है और न ह्रासमान है। तो देखो वर्धमान ह्रासमान के लिए आपको अवकलन करना था, अवकलन किया 2x माइनस वन, ठीक है। यहाँ से वर्धमान ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर पुट करना पड़ता है। तो आपने यहाँ से जीरो के बराबर किया तो आपको x की वैल्यू मिली एक बटे दो। तो एक बटे दो पे आपको नंबर लाइन पे रखना है x बराबर एक बटे दो को। तो आप x से बड़ी एक बटे दो से वैल्यू, एक बटे दो से बड़ी वैल्यू रखते हो कोई तो आपको मिलेगा प्लस का और ये माइनस का। तो देखो आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू एक बटे दो से छोटे के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका एक बटे दो से कम के लिए एफ डैश ये आपका एफ कैसा है, ह्रासमान है। और जब आप एक्स एक बटे दो से वैल्यू को एक बटे दो से बड़ी लेते हो तो एफ डैश एक्स आपका जीरो से बढ़ाएगा। देखो एक बटे दो से बड़े कोई लेगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी यानी एफ वर्धमान होगा, वर्धमान। तो देखो किसी अंतराल माइनस एक से एक में यदि दोनों ही काम हो रहे हैं, वर्धमान भी हो रहा है ह्रासमान भी हो रहा है, इसका मतलब यह फंक्शन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो ये सिद्ध हो गया। लिखना था आपको कि इन इंटरवल माइनस वन टू वन फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ, सो फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग और नाइदर नॉट डिक्रीजिंग, ये आपको लिखना था बस। फिर सिक्स नंबर देखो, इंटीग्रेशन था वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स, बिल्कुल सिंपल सा था। देखो मैं इसको थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। इसमें अपने को रैशनलाइजेशन करना था परिमेयकरण, वन माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसको, वन माइनस साइन एक्स से। तो वन माइनस साइन एक्स से नीचे गुणा करते ही ये बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन गया ऊपर तो वन माइनस साइन एक्स नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वन माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेपरेट कर दो दोनों को, वन अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा साइन अपॉन कोस स्क्वायर यानी कोस एक्स इंटू कोस एक्स अलग अलग लिख लेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स आएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, इसका होता है सेक एक्स प्लस सी। बस ये था। नेक्स्ट देखो सातवां था आपको, दो सदिश दे रखे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ऐसे निकालते हैं सारणिक आई जे के और ए एक वेक्टर, इसके आई जे के गुणांक लिखने हैं टू माइनस थ्री फोर थ्री फोर माइनस फोर ये। तो आई तो इसको खोलते हैं तो बारह माइनस सोलह तो माइनस का चार माइनस का जे, देखो माइनस का आठ माइनस का बारह तो माइनस का बीस और प्लस का के ये आ जाएगा आठ और नौ सत्रह, तो ये हो जाएगा माइनस का फोर आई प्लस का ट्वेंटी जे प्लस का सत्रह के। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेवन। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से प्रश्न आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो आठवां प्रश्न था, तीन बिंदु दे रखे थे ए बी सी और आपको सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि सरेख हैं कोलिनियर हैं। तो देखो कोलिनियर के लिए अपने को ए बी वेक्टर निकाल लो, एक बी सी वेक्टर निकाल लो और एक ए सी वेक्टर निकाल लो, देखो क्या आता है। निकालते हैं ए बी वेक्टर का मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका पोजिशन वेक्टर ए वेक्टर मान लो, इसका स्मॉल बी और इसका स्मॉल सी। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो इसके बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालते हैं इसका, तो माइनस वन माइनस टू यानी माइनस का थ्री आई
टू माइनस थ्री माइनस का जे माइनस का थ्री माइनस का फोर यानी माइनस का सेवन के कैप। इसी तरह बी सी निकालते हैं, देखो माइनस का फोर माइनस का वन तो माइनस का थ्री आई, वन माइनस टू माइनस का जे माइनस टेन माइनस थ्री तो प्लस थ्री हो जाएगा तो माइनस का सेवन के कैप। दोनों सेम ही आए, ए बी और बी सी तो सेम ही आए। अब ए सी देखते हैं तो माइनस का फोर माइनस का टू माइनस का सिक्स आई, वन माइनस थ्री यानी माइनस का टू जे और माइनस का दस माइनस का फोर्टीन के। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर सॉरी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर ए सी वेक्टर के बराबर है। तो अगर ऐसा होता है कि कोई दो वेक्टर का योग तीसरे के बराबर हो तो वो आपस में कोलिनियर होते हैं। तो तीनों ए अर्थात ए बी सी आर कोलिनियर सरेख हैं। बस ऐसे सिद्ध करना था। नवा प्रश्न है कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत हल को परिभाषित करो, एलपीपी का सुसंगत हल को डिफाइन करना है क्या होता है। तो देखो इसमें ऐसा लिखना था कि सुसंगत क्षेत्र में, मैं लिख देता हूँ, सुसंगत क्षेत्र में यदि कोई बिंदु उद्देश्य फलन का अधिकतम या इष्टतम मान बोल दो चाहिए, इष्टतम मान एक बार लिख देता हूँ फिर मैं बताता हूँ कैसे लिखना। इष्टतम मान वो अधिकतम भी हो सकता है और न्यूनतम भी हो सकता है दे, तो वह बिंदु सुसंगत हल कहलाता है। कहने का मतलब जो सुसंगत क्षेत्र आता है ना अपना, जैसे कोई भी ये सुसंगत क्षेत्र आता है तो उस सुसंगत क्षेत्र में कोई भी बिंदु यदि उद्देश्य फलन के लिए अधिकतम या न्यूनतम मान दे है ना, तो वो बिंदु आपका सुसंगत हल कहलाता है। इंग्लिश में क्या लिखना था कि एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन गिव्स ऑप्टिमल वैल्यू फॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन द पॉइंट इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। बस आपको ये लिखना था, परिभाषा ये लिखनी थी। फिर दसवा देखो देखो योग नियम क्या होता है प्रायिकता का, ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अपने को पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा है तो ये हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। सबका तो मान दे रखा है, पी ए का मान है 6/11, पी बी का 5/11 और पी ए यूनियन बी का 7/11। तो 6 5 11 11 में 7 गया तो 4 4/11। तो ये था आपका एक नंबर वाले प्रश्न। अब अपने सेक्शन बी करेंगे जिसमें है दो नंबर वाले प्रश्न 11 से 11। देखो एफ और जी दो एक एक अचदक फलन दे रखे थे और उनका संयुक्त फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि गोफ और गोफ इनवर्स दोनों डिफाइंड है। अगले ने ये चीज़ दे रखी है तो आपको सिद्ध करना था गोफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो आपको बस इसमें देखो कैसे करना था, तो मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा लेकिन एक बार जिन्होंने नहीं किया वो देख लो। आपको मानना था कि माना एफ ए से बी में तथा जी बी से सी में इस प्रकार परिभाषित है कि y बराबर एफ एक्स तथा z बराबर जी वाई। देखो तीन सेट लिए a b c, तो जहाँ ये यहाँ पे लिख देता हूँ x belongs to a, y belongs to b और z belongs to c। x a में से y b में से और z c में से, f तो a से b में और आपका g b से c में। तो आपको ये लिखना था और फिर दो एक एक अचदक फलन है तो एक एक अचदक फलन अपन ने लिख दिया कि y बराबर एफ एक्स और g बराबर जेड बराबर जी वाई, क्योंकि जी वाई बराबर जेड होता है और एफ एक्स बराबर वाई मिलता है, जी वाई बराबर जेड। तो इस प्रकार से फलन है तो अपने को क्या करना है, गोफ और गोफ इनवर्स दे रखा है इनको ये सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले तो
गोफ निकालते हैं यहाँ से। गोफ आपका परिभाषित होगा एसएससी में, ठीक है। गोफ यानी अंदर वाले एफ का तो प्रांत, एफ का प्रांत ए, और बाहर वाले का सह प्रांत, बाहर वाले का सह प्रांत सी, तो गोफ एसएससी में होगा। तो आप गोफ एक्स निकालते हैं, गोफ एक्स क्या होगा देखें, तो गोफ एक्स क्या होगा जी ब्रैकेट एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स तो वाई के बराबर है तो ये हो जाएगा जी वाई, लेकिन जी वाई जेड के बराबर तो ये जेड, तो कुल मिला के गोफ एक्स का मान आया जेड, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा गोफ इनवर्स जेड। और गोफ इनवर्स कहाँ में हो, कहाँ से कहाँ में होगा, गोफ इनवर्स आपका होगा सी से ए में, क्योंकि इनवर्स में को ये बदल जाते हैं। तो अब अपने को निकालना है ये आर एच एस निकालते हैं, देखें एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड, क्योंकि ये सी से ए में होगा इनवर्स वाला, तो ये लिखा जाएगा एफ इनवर्स ब्रैकेट जी इनवर्स जेड, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो एक बार लिखेंगे पुनः y बराबर एफ एक्स था ना, y बराबर एफ एक्स, क्योंकि अपन अब इनवर्स की बारी है, तो यहाँ से x बराबर क्या जाएगा, x बराबर, क्योंकि दोनों एक एक अच्छा देखे दोनों के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, तो ये हो जाएगा f इनवर्स y, समीकरण एक दे दो। और z बराबर क्या था, जी वाई, ठीक है, ये परिभाषित इस प्रकार से है, तो यहाँ से y बराबर क्या जाएगा जी इनवर्स जेड, नंबर दो। अब आपको इसमें यूज करना है, इसको एक मान लो, इसको दो और इसको तीन। अब समीकरण एक से जी इनवर्स जेड बराबर है वाई, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड बराबर एफ इनवर्स, यहाँ तक लिख लिया था, जी इनवर्स जेड का मान क्या है वाई के बराबर, लेकिन एफ इनवर्स वाई एक्स के बराबर है, यह है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड। अब देखो x बराबर है गोफ इनवर्स जेड, और यहाँ पे x बराबर है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स जेड, तो ये x का मान इसके अंदर रख देंगे, तो ये अपना सिद्ध हो जाएगा। तो इसको a मान लो और इसको समीकरण b मान लो, तो समीकरण a व b से x का मान उठा के इसमें रख दो, तो गोफ इनवर्स जेड बराबर f इनवर्स ऑफ g इनवर्स जेड, तो जेड तो लिखना नहीं है अपने को, डायरेक्ट गोफ इनवर्स बराबर f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ये ऐसे सिद्ध करना था। तो आप एक बार नहीं समझ में आए तो वीडियो आपके पास ही रहेगा, दोबारा पॉज करके दोबारा देख लीजिए, तो ऐसे इसको सिद्ध करना था आपको। नेक्स्ट देखो, ये बार बार इसको मिटा रहा हूँ मैं, बारहवें में a इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी थी, a इंटू ए ट्रांसपोज, तो सबसे पहले ए तो निकालो, ये आई थ्री देखो 3x3 की इकाई मैट्रिक्स है, तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, इस 2i को उधर ले जाओ, तो -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0 +2, इकाई मैट्रिक्स 3x3 की होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस दो को भी गुणा करा दो अंदर, तो मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, बस ये मुख्य विकर्ण वाले दो से गुणा हो जाएंगे, बाकी तो क्योंकि बाकी तो जीरो हैं। तो अब ए वेक एक वेक मैट्रिक्स को सही ढंग से लिखते हैं, -1 +2 1, और बाकी तो जीरो में जुड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2 3, और ये 2 + 0 2, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, -3 + 0 -3, 1 + 0 1, और 0 + 2 2, ये ए आई। अब ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगी, पंक्ति और स्तंभों को बदल दो, 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2, अब दोनों को गुणा करना था a इंटू ए ट्रांसपोज, तो देखो करते हैं 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2, और यहाँ पे at का मान लिखना है 1 -2 3 2 3 -1 और -3 1 2, लिखो गुणा 1 + 4 + 9, आगे वाली ये पंक्ति इससे, तो 2 - 6 - 3, ये पंक्ति इससे, तो -3 - 2 और +6,
ठीक है। अब देखो ये इस स्तंभ से, तो 2 माइनस का 6 माइनस का 3, ये इससे 4 प्लस 9 प्लस 1, ये इससे तो माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 2, माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 2। तो और ये देखो माइनस का 3 माइनस 2 प्लस 6, ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 3 माइनस 2, और ये हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 4। तो आंसर क्या आएगा 14, और ये आएगा माइनस का 9 प्लस 2 माइनस 7, और ये आएगा यहाँ पे 6 में से 5 गए तो 1, ये आ जाएगा माइनस 9 माइनस का 7 फिर से 14, ये आ जाएगा आपका माइनस, ये क्या है माइनस 3 माइनस 2 माइनस 8, और ये 3 माइनस का 5, और ये हो जाएगा 6 में से 5 गया तो 1, और ये हो जाएगा माइनस 5, और ये 14। तो ये आएगी ए इंटू ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट देखते हैं आगे, देखो 13 और 14 इंटीग्रेशन था, आपको अक्ष के सापेक्ष समाकलन करना था। तो देखो क्या करना है, पहले नीचे वाले का अवकलन देखो क्या है। नीचे वाले का अवकलन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का अवकलन होता है 2x प्लस 3, ऊपर है 2x प्लस 5, तो इसको तोड़ दो 2x प्लस 3 प्लस 2, 5 को 3 प्लस 2 लिख लिया, ठीक है। और नीचे वाले को ऐसे रहने दो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, ऐसा कर लिया। अब यहाँ से अलग अलग इसको सेपरेट डिवाइड कर दो, क्योंकि अपने को फंक्शन और उसका डेरिवेटिव तो एक जगह लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx प्लस 2 बाहर ले लो, और 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx, इसको t मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो 2x प्लस 3 बराबर dx बराबर dt, ये हो जाएगा dt अपॉन रूट टी, 1 अपॉन रूट टी का 2 रूट टी होता है समाकलन, प्लस 2। ये देखो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो x के गुणांक का आधा, x का गुणांक 3 है, उसका आधा 3/2 का स्क्वायर ये जोड़ना था, वह इसका स्क्वायर 3/4 होता है, और 3/4 ही आपको घटाना था, 3/4 का स्क्वायर यानी 9/4। तो प्लस 1 तो बाहर रहने दो, और माइनस का 9/4 यानी 3/4, एक्स के गुणांक का आधा 3/2 का वर्ग करके जोड़ दिया और वही घटा दिया, तो ये तो बन गया एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपका जो आपने जोड़ा था वो घटाना भी पड़ेगा। तो ये काम करना था, फिर इसके बाद में अपने को करना था 1 अपॉन रूट टी का 2 रूट टी होता है डायरेक्ट, प्लस 2, देखो 1 अपॉन एक में से 9/4 गया तो 5/4, तो ये होगा एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5/2, क्योंकि 5/4 को मैं रूट 5/2 लिख देता हूँ, dx 2 रूट टी, टी की वैल्यू वापस रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x क्या होता है 1 अपॉन होता है log x प्लस ये नीचे वाली सारी वैल्यू, log x, x की जगह x प्लस 3/2 प्लस रूट के अंदर ये नीचे वाली सारी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और प्लस c और आ जाएगा। तो ये इसको ऐसा करना था। आगे देखो ये वाला 40 नंबर है, अवकलन करना था, सिंपल सा प्रश्न है। तो देखो y बराबर है log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस, ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको देखो ये पूरी वैल्यू y के बराबर ही है, तो फिर से इसको y लिख दे, लिखना था।
अब दोनों तरफ रख कर दो तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई। अब डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो टू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस सॉरी लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह लाओ तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स टू वाई माइनस वन बराबर वन अपॉन एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई वन अपॉन एक्स टू वाई माइनस वन। बस ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। था कर्व दे रखा है टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 14। ये एक हाइपरबोला की क्वेश्चन है और एक रेखा दे रखी है एक्स प्लस थ्री वाई बराबर 6। अपने को निकालना क्या था इसके अंदर, समीकरण निकालनी है समान कि इस वक्र पर इस रेखा के समांतर अभिलंब रेखा की समीकरण निकालनी है। तो देखो क्या करना है, तो आपको मानना है कि माना वक्र पर इस वक्र एक मान लो और इस रेखा को समीकरण दो मान लो। वक्र एक पर कोई बिंदु लेट एनी पॉइंट पी एक्स वन वाई वन लाइज ऑन द कर्व, कोई बिंदु पी एक्स वन वाई वन वक्र एक पर स्थित है तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो पी एक्स टू एक्स वन स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर बराबर 14। नंबर 3, तो पी एक्स वन वाई वन पर स्पर्श रेखा का ढाल तो कैसे निकालते हैं इसको, अवकलन करो 4x माइनस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x अपॉन वाई, लेकिन एक्स वन वाई वन पर निकालनी है ना अपने को, तो एक्स वन वाई वन पर वैल्यू हो जाएगी 2x1 अपॉन वाई वन। पर अब लेकिन अभिलंब की समीकरण निकालनी है ना, तो अभिलंब का ढाल क्या हो जाएगा, अभिलंब का ढाल ये तो स्पर्श रेखा का ढाल है, लेकिन स्लोप ऑफ अपने को नॉर्मल निकालनी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस उल्टा हो जाएगा माइनस वाई वन अपॉन टू एक्स वन हो जाएगा, माइनस वाई वन अपॉन टू एक्स वन, जो कि बराबर है रेखा इस रेखा के ढाल के बराबर है, इस रेखा के समांतर है। तो इस रेखा का ढाल क्या होगा, चूंकि रेखा दो का ढाल बराबर कोई भी रेखा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो की स्लोप होता है माइनस ए अपॉन बी, यानी माइनस एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक। तो इसका क्योंकि ये अभिलंब इस रेखा के समांतर है तो दोनों का जो स्लोप है वो बराबर होगा, और इसका स्लोप है एक्स का गुणांक है माइनस एक्स का गुणांक है एक और वाई का गुणांक है 3, तो ये बराबर होगा माइनस के 1/3 के। तो यहाँ से माइनस से माइनस कट गया, वाई वन की वैल्यू आई 2x1 अपॉन 3। ये वाई वन की वैल्यू आप इस वक्र में रखो समीकरण 3 में, तो आपको यहाँ से x1 निकालना है, तो 2x1 स्क्वायर माइनस 4x1 स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 14। यहाँ से हो जाएगा 9 × 18 x1 स्क्वायर माइनस 4x1 स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 14। तो 18 में से 4 गया तो 14, 14x1 स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 14, 14 से 14 कट गया और x1 स्क्वायर बराबर 9 और x1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 3। अब x1 बराबर प्लस माइनस 3 आ गया, वही इसमें रखो तो y1 बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3 रखेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा। x1 y1 की वैल्यू आ गई, और किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको पता है उसकी स्लोप चाहिए और बिंदु चाहिए, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और अपन अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। सो अभिलंब का समीकरण इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दो बिंदु हैं, एक तो है प्लस का 3,2 और एक है पी डैश मान लो, दूसरा है माइनस का 3,-2, तो दोनों पे अलग अलग रेखाएं निकलेंगे। 3,2 पे क्या होता है समीकरण ये होता है y माइनस वाई वन बराबर डी वाई बाई डी एक्स
लेकिन अब विलंब है तो माइनस का 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन और x माइनस एक्स वन, ये होता है ना। तो y माइनस दो, एक्स वन का एक्स वन की जगह तीन, वाई वन की जगह दो, और इसका मान था माइनस वन अपॉन थ्री एक्स माइनस तीन, ऐसे ही आ जाएगा। y प्लस दो यानी y माइनस वाई वन बराबर माइनस का वन अपॉन तीन एक्स प्लस तीन, तीन को इधर भेजो तो तीन वाई माइनस का छः बराबर माइनस एक्स प्लस तीन, और इधर तीन वाई प्लस छः बराबर माइनस एक्स माइनस तीन, तो ये हो जाएगा। इस एक्स को इधर ले गया हो एक्स प्लस तीन वाई, और इस तीन को भी इधर ले जाओ माइनस का नौ बराबर जीरो, एक रेखा तो ये आ गई। और एक्स को इधर ले गया हो एक्स प्लस तीन वाई, तीन को इधर ले गया हो नौ, एक रेखा ही हो गई। तो ये दो रेखाएँ हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, सेक्शन बी कंप्लीट दो नंबर वाले। अब सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं तीन नंबर वाले प्रश्न 16 से 25। 16 है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स टू एक्स बराबर पाई बटे थ्री। इस इक्वेशन को, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हल करना था। तो देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ऐसा करेंगे तो दोनों ही रूट के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी सोल्व करने में, तो दोनों को कोस में बदल लेते हैं। तो देखो एक फॉर्मूला और होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे दो। तो साइन इनवर्स एक्स को कोस में बदलने के लिए पाई बटे दो में से घटाना पड़ेगा, पाई बाई टू माइनस इसको लिख सकते हैं कोस इनवर्स एक्स, ऐसे ही इसको कर देते हैं पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स 2x बराबर पाई बाई थ्री। तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स x माइनस कॉमन ले लिया प्लस कोस इनवर्स 2x बराबर पाई बाई थ्री। इस पाई बाई थ्री को इधर ले जाओ और उसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई थ्री बराबर कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x। कोस में इसलिए बदला क्योंकि कोस में रूट रूट वाले एक तरफ होते हैं और दोनों का वर्क करके रूट आसानी से हटा लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं पहले इसको इधर लिख रहा हूँ, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स वाई यानी एक्स इंटू टू एक्स, फिर प्लस है तो माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, तो टू एक्स का स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर बराबर पाई माइनस पाई बाई थ्री होगा टू पाई बाई थ्री। कोस इनवर्स को उधर भेजो, ये हो जाएगा अंदर तो टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर बराबर कोस टू पाई बाई थ्री, कोस टू पाई बाई थ्री यानी कोस एक सौ बीस। कोस एक सौ बीस का मान होता है माइनस एक बटे दो, ये होता है माइनस एक बटे दो। अब इस माइनस एक बटे दो को तो इधर लेके आओ, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे दो जाएगा और इसको पूरे को उधर ले जाओ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क कर दो। वर्क करते ही रूट हट जाएगा, यही अपने को चाहिए था। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर बराबर रूट हट गया वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, खोलो इसको फोर एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर, इधर इसको खोलो वन को वन से वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, तो माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर, ये गुणा हो गया फोर एक्स की पावर फोर, ये तो कैंसिल। और इस टू एक्स फाइव एक्स स्क्वायर को इधर ले गया हो तो ये हो जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर, और इस वन बाई फोर को इधर ले जाओ तो वन माइनस वन बाई फोर होता है थ्री बाई फोर, और ये सेवन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा तीन बटे अट्ठाईस, और एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस तीन अपॉन रूट रूट थ्री अपॉन अट्ठाईस। अट्ठाईस को लिख सकते हैं फोर इंटू सेवन, या अपन माइनस को माइनस तो देखो इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो अपन इसकी एक आंसर आएगा वन अपॉन टू रूट थ्री बाई सेवन, ये निकालना था। क्वेश्चन नंबर 16, अब देखते हैं नेक्स्ट 17 देखो सारणी को सिद्ध करना था, तो LHS से RHS निकालना था। LHS देखो अपने को जैसे जैसे RHS है वैसे बनाना है, बाहर ABC बनाना है और एक वन प्लस वन अपॉन ए वन प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी बनाना है। तो एक काम करो
हर पंक्ति में से ए कॉमन ले लो, पहली पंक्ति में से ए ले लिया, दूसरी में से बी ले लो और तीसरी में से सी ले लो, तो कॉमन लेते ही क्या बचेगा, पूरी पंक्ति में ए का भाग लग जाएगा, तो वन अपॉन ए प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे वन अपॉन ए हो जाएगा और यहाँ पे वन अपॉन ए, यहाँ पे बी का भाग दो, यानी ए बी सी से गुणा ए बी सी से भाग किया है, कहने का मतलब ये है। तो सारणिक में क्या होता है, कोई एक अवयव को अगर पूरी पंक्ति से गुणा कर देना तो या एक अवयव बाहर निकाले तो पूरी पंक्ति से बाहर आता है, तो यहाँ पे बी निकाला तो बी बाहर निकाला तो वन अपॉन बी, वन अपॉन बी प्लस वन, क्योंकि बी में भाग दिया तो वन अपॉन बी, बी से भी कट गया एक, वन अपॉन बी, ऐसे ही वन अपॉन इसमें सी निकाला, वन अपॉन सी और वन अपॉन सी प्लस वन। अब क्या करना है, इसमें संक्रिया लगानी है अपने को, क्योंकि वन अपने को चाहिए वन प्लस वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी का एडिशन, तो आर वन बदल देंगे, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यानी पंक्ति नंबर वन में पंक्ति वन टू और थ्री जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा ए बी सी जोड़ने पे क्या हुआ, वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, ऐसा ही यहाँ पे होगा, पूरी पंक्ति में ऐसा ही होगा, वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, और ऐसा ही होगा वन यहाँ पे, और ये ऐसे कैसे, अब पूरी पंक्ति में से ए बी सी ये सेम सेम एलिमेंट बाहर निकालो, वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, वन 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 बचा यहाँ पे, वन अपॉन बी, वन अपॉन बी प्लस वन, वन अपॉन बी, यहाँ पे वन अपॉन सी, वन अपॉन सी, वन अपॉन सी प्लस वन, मैक्सिमम जीरो बनाने हैं, तो सीधा सा तरीका है, संक्रिया लगाओ, सी टू को बदल दो सी टू माइनस सी वन, और सी थ्री को बदल दो C3 माइनस सी वन, यानी कॉलम 3 में से कॉलम 1, कॉलम 2 को बदलना है कॉलम 2 में से कॉलम 1, तो ये बाहर तो ऐसा ही रहेगा ए बी सी, वन प्लस वन अपॉन ए, वन प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, अंदर देखो C1 को तो छेड़ना ही नहीं है, C1 को ऐसे कैसे लिख दो, वन वन अपॉन बी वन अपॉन सी, C2 को क्या करना है, C2 माइनस सी वन करना है, तो वन माइनस वन जीरो, वन अपॉन बी प्लस वन माइनस वन अपॉन बी सिर्फ वन, वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन सी जीरो, वन माइनस वन जीरो, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन बी जीरो, और वन अपॉन सी प्लस में से वन अपॉन सी गया तो सिर्फ वन। अब बस एक्सपेंड कर दो ए बी सी, वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, तो पहली पंक्ति के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो और बाकी के जीरो, तो ये सारा वन से गुणा होगा, तो ये लो अपना सिद्ध हो गया ए बी सी वन अपॉन सी, दैट्स ऑल। नेक्स्ट करते हैं, ये था 18 नंबर, देखो 18वां है 18 नंबर, निम्न समीकरण निकाय को हल करना है, तो सबसे पहले इस समीकरण निकाय को रैखिक समीकरण में सही ढंग से बदलते हैं, तो देखो इस 3x3 मैट्रिक्स को 3x1 से गुणा कराएंगे तो 3x1 की मैट्रिक्स बनेगी, देखो वो क्या बनेगी, 3 को x से गुणा कराओ 3x, 0 को y से 0y नहीं लिखेंगे, और 3 को z से प्लस 3z, ठीक है, क्योंकि 3x1 की बनेगी, तीन पंक्ति एक स्तंभ, 2x प्लस 1y यानी y और 0z नहीं लिखेंगे, 4x 0 को y से 0 और 2 को z से 2z बराबर, दो मैट्रिक्स कैसे जोड़ते हैं, संगत संगत जोड़ दो, 8 प्लस 2y 1 प्लस z 4 प्लस 3y, तुलना कराओ दो मैट्रिक्स बराबर मैट्रिक्स है, इसका मतलब 3x प्लस 3z बराबर तो होगा 8 प्लस 2y, यहाँ से सही ढंग से लिखो 3x माइनस 2y 3x, इस 2y को उधर ले आओ, प्लस 3z बराबर 8, एक तो ये बना, दूसरी तुलना कराओ 2x प्लस y बराबर 1 प्लस z, और तीसरा है 4x प्लस 2z बराबर 4 प्लस 3y, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस y माइनस z बराबर 1, और इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4, तो ये आपका रैखिक समीकरण निकाय बन गया, इसको समीकरण 1 दे दो। अब निम्न रैखिक समीकरण निकाय को ax
बराबर बी रूप में लिखने पर, तो आपको लिखना है निम्न रेखिक समीकरण निकाय को राइट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स इक्वल्स टू बी रूप में लिखने पर, जहां ए क्या होगा, ए गुणांकों की मैट्रिक्स होगी, जो आपकी रेखिक समीकरण निकाय है ना वो है 3-2, 3-2, 1-1, 4-3, 2। एक्स क्या होगा, एक्स होगा एक्स वाई जेड, और बी क्या होगा, बी होगा 8-1-4, ये मैट्रिक्स। तो अब निकालना है आपको, हल करना है ना, तो हल करने का जो फॉर्मूला होता है, एक्स बराबर वो होता है ए इनवर्स बी, ए एक्स बराबर बी हो तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी होता है ना, समीकरण दो। अब अगर हल करना है तो अपने को ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, कहने का मतलब सारणी एक की इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, और इनवर्स निकालने से पहले डिटर्मिनेंट ए चेक करना पड़ता है, और डिटर्मिनेंट ए चेक करेंगे वो जीरो नहीं होना चाहिए, तब तो इनवर्स निकलेगा, नहीं नहीं निकलेगा। तो सारणी ए का मान निकालते हैं, तो देखो तीन यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, तीन इसको इसको छुपाओ, दो दो ये सही लिखा है क्या, 4-3, 2-1, हाँ सही है, 3-2-3 तो -1, फिर प्लस का 2 और यह आ जाएगा 4+4, 8 और यह आ जाएगा प्लस का 3, यह आ जाएगा -6, -4 या -10, तो -3+16, -30 तो ये हो जाएगा -17, ≠0। डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है, और ए इनवर्स का फॉर्मूला देखना है आपका, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए आपको पता है एफ आई जे का ट्रांसपोज होता है, एफ आई जे है सेकंड मैट्रिक्स, तो वो सेकंड मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, सेकंड मैट्रिक्स निकालेंगे बिल्कुल आसान है, पहले अवयव की सेकंड मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इसको इसको छुपा लेंगे, 2-3-1, लेकिन इसमें चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है, ये चारों कोने वाला ये और ये माइनस का होता है और बाकी सारे प्लस के होते हैं सेकंड मैट्रिक्स में, क्योंकि -1 की पावर i+j फॉर्मूला लगता है, जो आपका सेकंड का फॉर्मूला होता है ना fij, वो होता है -1 की पावर i+j mij, mij होती है उपसारणिक माइनस, है ना, तो चार जगह माइनस लगेंगे और बाकी प्लस, तो माइनस का ध्यान रखेंगे अपन, उपसारणिक लिख देंगे बस सीधी। तो ये पहली तो अपन ने निकाली हुई है ना, -1, -1, 8, लेकिन इस जगह माइनस आता है तो -8 और -10, ये पहले तो निकाली, अब दूसरी इसकी निकालते हैं, इस दो के लिए निकालने के लिए दो के ऊपर वाली और दो के सामने वाली पूरी को छुपाना पड़ेगा, और इसको इसकी सारणी निकालनी पड़ेगी, तो ये होगा 2 × -2 - 4 प्लस 9, तो 4 + 9 होता है 5, लेकिन माइनस का चिन्ह होता है -5, इसकी 6 - 12 - 6 - 12 - 6, और इसकी -9 + 8 - 1, लेकिन माइनस चिन्ह पहले से आता है तो +1, इसका क्या होगा, -2, 2-3 - 1, तो ये होगा -1, 2-3 - 1 सही है, फिर इसका -3 और -6 - 9, लेकिन माइनस का चिन्ह पहले से आता है तो +9, और ये क्या होगा, 1+3+4 यानी इसको इसको छुपाया, 3+4, 7, इसका भी ट्रांसपोज लेना है, वो मिलेगा आपको एडजॉइंट ऑफ ए, तो -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9 और 7 -1, 9 और 7 ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मिटा रहा हूँ इसको, और अपने को ए इनवर्स मिल जाएगी, तो ए इनवर्स देखो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, इसमें रखनी है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -1/17,
17 है तो, लेकिन ये वन अपॉन में है ना, तो माइनस एक बटे 17, और ये वैल्यू ऐसे कैसे रख दो, माइनस एक, माइनस आठ, माइनस दस, माइनस पाँच, माइनस का छः, एक, माइनस एक, नौ और सात। लेकिन अपने को एक्स बराबर ए इनवर्स बी निकालना है ना, तो ए इनवर्स बी, एक तो माइनस चिन्ह कॉमन लेके या माइनस को सबसे गुणा करा दो, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। एक बटे 17 माइनस को गुणा कराओ तो ये माइनस वन माइनस वाले सारे प्लस के बन जाएंगे। एक, पाँच, एक, आठ, छः, माइनस नौ, दस, माइनस एक, माइनस का सात, और बी की वैल्यू रख दो। बी की वैल्यू क्या थी, आठ एक चार, आठ एक चार, ये थे ना, आठ एक चार। हाँ, अब गुणा कराओ, एक बटे 17 इसको इससे, आठ प्लस पाँच प्लस चार, 3/3 की है, 3/1 की है, गुणा होने के बाद 3/1 की मिलेगी। आठ आठ 64 प्लस 6 और माइनस का 36, और 10 8 80 माइनस 1 माइनस 49, सॉरी माइनस 28, 28 सात चौक 28। तो देखो ये होगा एक बटे 17, 17 और ये 34 और ये 51। तो x की जगह लिखेंगे एक्स वाई जेड, और यहाँ से देखो 17 का भाग दो तो ये आ जाएगा 1 2 3, एक्स वाई जेड बराबर 1 2 3। तो अपने x का मान तो आया 1, y का मान आया 2, z का मान आया 3, ये इसका हल है। तो ये था प्रश्न 18। तो नेक्स्ट करते हैं, देखो 19वां प्रश्न इंटीग्रेशन करना है। इसमें बच्चे बोल रहे थे कि सर ये थोड़ा सा हमसे नहीं हुआ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, तो देखते हैं इसमें क्या है। ये इतना हार्ड भी नहीं था। एक तो देखो रूट के अंदर एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है, तो अपने को इसको रूट हटाने के लिए एक्स कुछ सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा इस प्रकार से कि रूट हट जाए और ये कोस इनवर्स भी हट जाए। तो इसके लिए अपने सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से डी एक्स क्या मिलेगा अपने को, डी एक्स हो जाएगा 2a tan थीटा, और टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का होगा डी थीटा। और यहाँ से अगर आप थीटा निकालो तो थीटा होगा, पहले टेन थीटा निकालो, टेन थीटा होगा एक्स बाई ए, और थीटा होगा सॉरी टेन स्क्वायर थीटा एक्स बाई ए होगा, और थीटा होगा टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, क्योंकि टेन थीटा रूट एक्स अपॉन ए होगा, टेन थीटा होगा रूट एक्स अपॉन ए, और थीटा होगा टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए। ये वैल्यू अपने को लास्ट में चाहिएगी। तो अब अपन ये सब्सटीट्यूट करते हैं इसके अंदर, कोस इनवर्स रूट एक्स की जगह ए टेन स्क्वायर थीटा, ए टेन स्क्वायर थीटा, और ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन ले लिया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ए से ए कट गया। देखो टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, अंदर सिर्फ साइन बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा। और यहाँ पे डी एक्स की जगह लिखेंगे 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो 2a तो ले बाहर, कोस इनवर्स यहाँ पे बचा अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा, और यहाँ पे बचा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। 2a अपने को कोस इनवर्स कोस में बदलो ताकि कोस इनवर्स से कोस एलिमिनेट हो जाए, तो कोस थीटा को लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, यानी कोस इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोस 90, 90 को पाई बटे 2 लिखो, माइनस थीटा, तो कोस से कोस इनवर्स हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, कोस इनवर्स में कोस 90 माइनस थीटा है ना, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये केवल पाई बाय 2 माइनस थीटा बचेगा। तो यहाँ पे तो बचेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, और यहाँ पे बचेगा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो
ये बाय पार्ट्स से इंटीग्रेट होगा। जिसका इंटीग्रेट आसानी से हो जाए उसको मानते हैं सेकंड फंक्शन u, और दूसरे को मानते हैं फर्स्ट। तो इसका तो इंटीग्रेट आसानी से हो रहा है, तो इसको मानेंगे v और ये मानेंगे अपन u। क्यों? क्योंकि tan थीटा को t करें ना, इसमें साइड में कर लेता हूँ मैं, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है। tan थीटा को यदि आप t मानो तो tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर dt, यानी tan थीटा की जगह t रखो तो ये t dt यानी t स्क्वायर बटे दो, t की जगह tan स्क्वायर थीटा बटे दो। तो इस पूरी की इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट अपन लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बटे दो। तो अब इसे बाई पार्ट्स करता हूँ, तो देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं। अपने को ध्यान रखना है tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है, तो 2a, सबसे पहले u बार पाई बाई टू बाई पार्ट्स ऐसा ही तो होता है u बार और v का समाकलन tan थीटा sec स्क्वायर थीटा का भी क्या था tan स्क्वायर थीटा बटे दो, फिर माइनस चिन्ह, पहले का अवकलन u का अवकलन पाई बटे दो का जीरो और माइनस थीटा का माइनस वन, लेकिन माइनस फॉर्मूले में आता है तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये तो सारा वन बन जाएगा। और इसका टेन, इसका होता है टेन स्क्वायर थीटा बटे दो डी थीटा, अब हो जाएगा टू ए। अब देखो ये टू कॉमन लेके काट दो, टू कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ पे ए बचेगा, ये पाई बाई टू माइनस थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस इस टेन स्क्वायर थीटा को लिख लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा और वन का होता है थीटा प्लस सी। यहाँ तक हो गया। अब बस अपने को ये काम करना है कि थीटा को तो बदलना है टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए में, टेन स्क्वायर थीटा को एक्स अपॉन ए में, टेन थीटा को रूट एक्स अपॉन ए में। तो लास्ट ये काम करते हैं पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू टेन स्क्वायर थीटा को गुणा करो, तो पाई बाई टू टेन स्क्वायर इससे गुणा होगा, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ टेन स्क्वायर की एक्स अपॉन ए माइनस थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक बार मैं पहले इसको खोल के लिख देता हूँ, ए पाई बाय टू माइनस थीटा और टेन स्क्वायर की वैल्यू है एक्स अपॉन ए है ना, आगे टेन थीटा है रूट एक्स अपॉन ए और आपका थीटा है टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए प्लस सी। ए को गुणा करा दो, ए जब ए से ए कट जाएगा ये गुणा होगा, तो ये तो सिर्फ ए कट गया, तो पाई बाई टू इंटू एक्स, ए से तो ए कट गया पाई बाई टू इंटू एक्स माइनस थीटा, थीटा की जगह वो लिखा नहीं मैंने, अब यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा एक्स इंटू टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, क्योंकि ऐसे तो ए कट ही गया, यहाँ पे ए इससे गुणा होगा, तो ए बार है नीचे रूट में ए है, तो एक ए से एक ए कट जाएगा और ये बचेगा रूट ए एक्स माइनस ए इससे गुणा होगा, तो ये आएगा ए टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए प्लस सी। लास्ट एक स्टेप और लिख लेते हैं पाई एक्स अपॉन टू और प्लस रूट ए एक्स माइनस, इन दोनों में टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट एक्स अपॉन ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे तो बचेगा एक्स, यहाँ पे बचेगा ए और ये लिखा जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए प्लस सी। बस ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न ये था कि दो परवलय दे रखे हैं उसके मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो सबसे पहले तो देखो चित्र बनाते हैं अपन, वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स का जो डायग्राम बनेगा वो एक्स की तरफ बनेगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ ये बन गया, और इसको मैं लिख देता हूँ वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स, और दूसरा एक्स स्क्वायर बराबर फोर बी वाई का जो डायग्राम बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा पॉजिटिव वाई की तरफ, और ये बन गया आपका
यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर बी वाई। अपने को इनके बीच का एरिया ये निकालना है, इसके लिए अपने को ये पॉइंट चाहिएगा। लिमिट तो डिफाइन करेंगे ना भाई कहाँ से कहाँ तक, तो ये तो जीरो जीरो है ये, और अपन निकाल लेंगे यहाँ पे। मैं एक स्ट्रिप बना देता हूँ डी एक्स लेंथ की। तो अगर अपने को वो पॉइंट मिल जाए ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको ए मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, तो अपनी लिमिट डिफाइन हो जाएगी। तो उसको निकालने के लिए अपने को यहाँ से वाई का मान इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा। तो मैं वाई का मान इसमें रखता हूँ, तो वाई इससे वाई बराबर क्या आया, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर बी। ये मान इसमें रखो आप, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन सिक्सटीन बी स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स। तो एक एक्स से एक एक्स, एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा फोर, सिक्सटीन इंटू फोर चौंसठ ए बी स्क्वायर। यहाँ से एक्स मिलेगा अपने को, एक्स मिलेगा अपने को चौंसठ ए बी स्क्वायर की पावर वन बाई थ्री, और चौंसठ का जो वन थर्ड क्यूब रूट होता है ना वो होता है चार ए बी स्क्वायर की पावर एक बटे तीन। तो ये वैल्यू है, ये है चार ए बी स्क्वायर की पावर वन बाई थ्री कोमा जीरो। लिमिट अपनी मिल गई। तो अब अपन जो मध्यवर्ती एरिया बाउंडेड बाय द गिवन रीजन, ये पत्ती सा है ना उसकी एरिया निकालना अपने को। तो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्र रीजन ओ, ये अपना ये क्षेत्र होगा। तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिख रहा हूँ, आपको लिखना था ऐसे, आप ऐसे लिख देते कि क्षेत्र ओ ए पी ओ का क्षेत्रफल है ना, वो क्या होगा जीरो से फोर ए बी स्क्वायर की पावर एक बटे तीन, ऊपर वाला पैराबोला माइनस नीचे वाला वाई डी एक्स, और ये अपने परवलय, ये तो है परवलय, ऊपर वाला कौन सा है परवलय वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स माइनस जीरो से फोर ए बी स्क्वायर की पावर वन बाई थ्री वाई डी एक्स, और यहाँ पे वाई कौन सा है नीचे वाला परवलय एक्स स्क्वायर बराबर फोर बी वाई। देखो लिमिट सेम है तो एक जगह लिख देंगे दोनों को, जीरो से फोर ए बी स्क्वायर की पावर वन बाई थ्री, और यहाँ पे वाई, तो यहाँ से वाई होगा रूट फोर ए एक्स, रूट फोर ए एक्स माइनस ये वाई, ये वाई होगा एक्स स्क्वायर अपॉन फोर बी इंटू डी एक्स। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो इंटीग्रेशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ ऊपर, तो अब देखो पहले इसका रूट फोर एक्स का, तो रूट फोर तो बाहर निकलेगा तो टू रूट ए, और रूट एक्स का होता है एक्स की पावर तीन बटे दो, दो बटे तीन एक्स की पावर तीन बटे दो। लिमिट लग जाएगी जीरो से, लिमिट लग जाएगी जीरो से फोर ए बी स्क्वायर की पावर एक बटे तीन माइनस, इसमें क्या कॉमन आएगा एक बटे चार बी, और एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बटे तीन, एक्स क्यूब बटे तीन। लिमिट लग जाएगी जीरो से चार ए बी स्क्वायर की पावर एक बटे तीन, तो टू रूट ए, दो बटे तीन बाहर निकालो तो ये चार बटे तीन हो जाएगा, चार बटे तीन। अब एक्स की जगह रखो ए बी स्क्वायर, फोर इंटू, फोर इंटू ए बी स्क्वायर की पावर एक बटे तीन की पावर तीन बटे दो माइनस, एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस चार ती बारह, तो एक बटे बारह बी, और एक्स की जगह रखो फोर, फोर ए बी स्क्वायर की पावर एक बटे तीन की पावर तीन माइनस जीरो। अब देखो चार बटे तीन रूट ए, ध्यान से देखना, फोर की पावर तीन बटे दो, फोर की पावर तीन बटे दो का मतलब होता है दो की पावर दो, फोर को लिख सकते हैं दो की पावर दो, और इसकी पावर तीन बटे दो है, दो से दो और ये कट जाएगा दो की पावर तीन आठ,
तो ये तो जब बाहर निकलेगा इन सब चीजों से चार, तो वो तो बनेगा आठ, ठीक है। और अब ए बी स्क्वायर देखो, ए बी स्क्वायर की पावर 1/3 है, और ऊपर पावर में 3/2 है, तो 3 से 3 कट गया, और ये क्या आया, ए बी स्क्वायर की पावर 1/2। और किसी की भी पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, तो रूट ए बी स्क्वायर, रूट ए बी स्क्वायर का मतलब होता है बी इंटू रूट ए, क्योंकि बी स्क्वायर तो रूट से बाहर निकल गया, रूट ए बचा। तो ये तो इतना सा ये हुआ। आगे देखो 1/12 b, इसको मिटा देता हूँ मैं, आप रोक के देख लेना वीडियो को, नहीं समझ में आया तो। फोर, फोर की पावर, तो देखो ये तो सीधा सा है, 4 की पावर 3, तो ये तो हो गया 64, चार तो बाहर निकला जब 64 बन के निकला, लेकिन ये ए बी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर की पावर 1/3, जब 3 से गुणा होगी 3 से 3 कट जाएगा, ये केवल ए बी स्क्वायर बचेगा निकलने के बाद, और वो तो 0 है ही, तो ये काट दो आप 4 के पहाड़े से, 4 3 12, 16 चौक 64, 20 से 20 कट गया, तो रूट ए इंटू रूट ए, और ये हो जाएगा 8 चौक 32/3 ab माइनस 16/3 ab, तो कुल मिला के आएगा 16/3 ab वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट आंसर ये था। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो 2200% है, एक तो वर्त है, एक रेखा है, और एक्स अक्ष, इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो वर्त का डायग्राम बनाते हैं, ये बन गया वर्त का, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या है, 32 को लिख सकते हैं अपन, √32 का स्क्वायर, भाई ax2 + y2 = r2, और √32 का मतलब होता है 16 × 2, यानी 4√2। तो ये बिंदु है आपका 4√2,0, और y बराबर x रेखा होती है मूल बिंदु से जाने वाली, ऐसी ये है y बराबर x, और ये है आपका वर्त, x2 + y2 = 32। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा √32 - x2, आपको तथा x अक्ष से नीचे वाला है, आपको ये एरिया निकालना है, तो ये दो भागों में निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, आपको ये बिंदु निकालना पड़ेगा, ये बिंदु। तो ये बिंदु निकालने के लिए आप y = x इसमें रखो, क्योंकि ये रेखा इसको काट रही है, तो y = x रखते हैं, तो x2 + x2 = 32, 2x2 = 32, x2 = 16, x = ± 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो लिमिट भी मिल गई अपने को, एक बार तो लेंगे अपन 0 से 4 y dx, तो दो पट्टी का बनेंगे, एक तो ये स्ट्रिप dx मोट आएगी, एक ये स्ट्रिप, और एक 4 से 4√2। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था, तो देखो इसको करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, क्षेत्र ओ ए बी, ओ का क्षेत्रफल बराबर, इसको सी दे दो, तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, तो एक तो हो जाएगा 0 से 4 y dx, एक हो जाएगा 4 से 4√2 y dx। ये y तो है रेखा का, लाइन का, और ये y है आपका वर्त का। अब देखो 0 से 4 y y = x, क्योंकि रेखा के लिए y = x रेखा है, प्लस 4 से 4√2, और y y है √32, इसको लिख सकते हैं 4√2 का होल स्क्वायर माइनस x2 dx। इंटीग्रेट करो x का, x2/2 0 से 4, प्लस a2 - x2 का रूट होता है, क्या होता है फॉर्मूला, x/2 रूट अंदर वाला ऐसा कैसा, 4√2 का होल स्क्वायर माइनस x2, यही होता है ना, x/2 प्लस a2/2, a2 यहाँ पे 32 है, 32/2 sin inverse x/a, एक ही जगह है 4√2, और लिमिट है 4 से 4√2। अब देखो ये तो जाएगा 16/2 - 0,
ये हो जाएगा चार रूट दो इसमें रखोगे तो ये तो जीरो बन जाएगा, प्लस चार रूट दो इसमें रखो तो 32/2 16 साइन इनवर्स चार रूट दो पौन चार रूट दो एक माइनस चार रखो इसके अंदर 4/2 4/2 यानी दो, और जब चार रखेंगे इसके अंदर तो ये है 32 में से चार का स्क्वायर यानी 16, तो 32 में से 16 गया तो 16, और 16 का वर्ग होता है चार, तो ये होगा चार माइनस 16, जब चार रखेंगे तो चार से चार कट जाएगा, और साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब होता है साइन इनवर्स, एक बार तो मैं लिख देता हूँ रूट दो, ठीक है 16/2 ऊपर कर रहा हूँ मैं इसको 8 प्लस 16 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब है साइन पाई बाई 2, तो सिर्फ यहाँ पे पाई बाई 2 बचेगा माइनस 8, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 16, और ये साइन पाई बाई 4 की वैल्यू है तो यहाँ पे पाई बाई 4 बचेगा, तो 8 से 8 गया और ये बचा आपका 8 पाई माइनस 4 पाई, 4 पाई वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आएगा, 4 पाई आंसर आएगा इसका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखते हैं हम 23वां, वो अवकल समीकरण के प्रश्न है, दो प्रश्न है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 और 23 अवकल समीकरण के हैं, तो इनको देखते हैं कि ये कैसे करना था। तो अभी तो देखो कोई आइडिया नहीं बैठ रहा कि कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एक काम करते हैं एक बार dy / dx को इस तरफ रखते हैं और उनको उधर लेके जाते हैं। एक चीज तो दिमाग में आ रही, tan इनवर्स y का अवकलन 1/1 + y² होता है, तो कुछ हिंट तो बैठ रहा है, तो एक काम करते हैं पर उसको उधर लेके जाओ, तो x क्यूब उधर जाएगा, तो ये प्लस का x क्यूब और ये 2x जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 2x tan इनवर्स y और 1+y² साथ में है। अब tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 + y², तो इसको नीचे भेजो, तो 1/1 + y² dy / dx और उधर हुआ एक्स क्यूब माइनस 2x tan इनवर्स y, ये सारा तो नीचे भेज दिया। अब इस क्वांटिटी को इस तरफ लेके आओ, तो 1/1 + y² dy / dx + 2x tan इनवर्स y बराबर एक्स क्यूब। अब एक काम करो, आप tan इनवर्स y को t मानना था, यहाँ tan इनवर्स y को t मानना, तो क्या हुआ देखो, 1/1 + y² dy / dx, इसका x के साथ x करेंगे dy / dx, तो ये बनेगा dt / dx, तो बस अब चेंज कर दो, आप क्या करना है, इसकी जगह तो लग दो dt / dx और प्लस 2x tan इनवर्स y की जगह t, और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, t और x में, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका if तो क्या है, पहले तो इसका p दे दो, ये dy / dx + py + बराबर q रूप की है, तो इसका p है यहाँ पे 2x और q है x क्यूब, और अब if क्या होगा इसका, if इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो होगा e की पावर 2x dx, और x का x स्क्वायर 2/2 दो से दो कट जाएगा, e की पावर x स्क्वायर इसका if होगा, और इसका हल देखो, सॉल्यूशन होगा इसका t if बराबर इंटीग्रेशन q if ये तो था इंटू dx। अब देखो t तो था अपना, t की वैल्यू एक बार बाद में रख देंगे, t if है e की पावर x स्क्वायर बराबर q x क्यूब if e की पावर x स्क्वायर dx, तो t की वैल्यू है tan इनवर्स y e की पावर x स्क्वायर, x क्यूब वैसे लिखो x स्क्वायर इंटू x e की पावर x स्क्वायर dx, क्योंकि x स्क्वायर को यहाँ पर t मानना होता है, u मान लो u, तो 2x dx बराबर du, और यहाँ से x dx हो जाएगा du, तो ये पूरा कुल मिला के किसमें बदल गया, x की जगह तो u और x dx की जगह du और e की पावर u, और इसको देखो x into e की पावर x का जो समाकलन होता है वो होता है, आप i लेट से भी कर सकते हो, और मैं डायरेक्ट ये एकदम इजी सा है, इसका होता है e की पावर u u माइनस 1, x e की पावर x का होता है e की पावर x x माइनस 1 प्लस c, और इधर है tan इनवर्स y e की पावर x स्क्वायर, अब सब की वैल्यू रख दो, tan इनवर्स y e की पावर x स्क्वायर
ई की पावर यू, यू है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। नेक्स्ट देखो ये 23 नंबर प्रश्न भी अवकल समीकरण का है, इसमें भी अभी तो आइडिया नहीं बैठ रहा कि क्या किया जाए, तो एक बार dy by dx को अपना अकेला बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तो एक काम करो, इसको इधर लेके आओ, उसको उधर ले जाओ, तो ये होगा e की पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स, ये माइनस वाला तो प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया, dy by dx और उधर है 1 प्लस y स्क्वायर। अब देखो tan इनवर्स y का अवकलन भी पता है, 1 प्लस y स्क्वायर होता है 1 अपॉन में, तो एक काम करो इसको तो नीचे लेके आओ, और ये यहाँ पे x सिंगल है, तो देखो x सिंगल है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है dx और x में। तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा dx by dy और इसको नीचे लेके आओ, e की पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन, ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि x की पावर 1 है, dx अपॉन dy में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है ये। तो अब बस आपको इसको अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा dx अपॉन dy बराबर e की पावर tan इनवर्स y, अलग अलग कर दिया मैंने, प्लस x अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, माइनस है माइनस, इसको इधर लेके आओ, dx अपॉन dy प्लस x 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इनटू x बराबर e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। अब देखो ये एक लीनियर डिफरेंस, देखिए क्या अवकल समीकरण है, किस रूप की, dx अपॉन dy प्लस p dx बराबर q रूप की, तो यहाँ पे p की वैल्यू है y स्क्वायर, q की वैल्यू है e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, और इसका if क्या होगा, e की पावर p dy, e की पावर p dy, e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y, तो if तो निकल गया आपका tan इनवर्स e की पावर tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y। अब देखो हल, हल क्या होगा, हल होता है x इंटू आई एफ, एक्स इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू dy। अब आई एफ क्या है, आई एफ है e की पावर tan इनवर्स y, q है e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, e की पावर tan इनवर्स y पहले से है, आई एफ का मान tan e की पावर tan इनवर्स y है और dy। अब देखो e की पावर tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y, देखो आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर 2 tan इनवर्स y 1 प्लस y स्क्वायर dy। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको tan इनवर्स y को t मानना पड़ेगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy बराबर हो जाएगा dt, तो ये बन जाएगा e की पावर 2t dt, तो e की पावर 2t का अवकलन समाकलन होता है e की पावर 2t अपॉन 2 प्लस c, और t की वैल्यू रख दो, तो इसको मिटा रहा हूँ, इधर में लिख देता हूँ, तो इस तरफ तो चल रहा था आपका x e की पावर tan इनवर्स y बराबर 1 बाई 2 e की पावर 2 t का मान है, t का मान अपन है माना था e की सॉरी tan इनवर्स y और प्लस c, और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आप एक काम को और कर सकते हो, इस tan इनवर्स y को इस तरफ भेज सकते हो, तो ये ज्यादा ज्यादा ये होगा x बराबर 1/2 e की पावर tan इनवर्स y, एक तो कट गया, और c की पावर माइनस tan इनवर्स y, That is the required answer. अब नेक्स्ट देखते हैं 2400 प्रश्न, तो 2400 प्रश्न देखो, 2400 प्रश्न है, सिद्ध कीजिए शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स रूट 2। कि दी गई त्रिकोण की ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का शीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 होता है। तो देखो एक शंकु का चित्र बनाओ,
और मान लो कि इस शंकु का अर्धशीर्ष कोण थीटा है, जिसकी त्रिज्या आर है, इसकी ऊंचाई एल है, और त्रिज्या ऊंचाई एल है, ऊंचाई एच है। तो ये चीज अपने को लिखनी है। माना लेट द सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा, माना अर्धशीर्ष कोण थीटा है, अर्धशीर्ष कोण शंकु का अर्धशीर्ष कोण थीटा है, त्रिज्या आर वह ऊंचाई एच है, और त्रिज्या ऊंचाई आपको एल दी गई है, और आपको एक तो आयतन अधिकतम करना है, महत्तम दिखाना है, और साथ ही अर्धशीर्ष कोण टेन इनवर्स रूट टू दिखाना है। तो देखो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है बी बराबर एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये है ना, ये 90 डिग्री होता है इसका हाइट से और रेडियस के, 90 डिग्री एंगल होता है। तो यहां से देखो पर पाइथागोरस लग जाएगी, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे अपन पाई बटे तीन, आर स्क्वायर की जगह लिख देंगे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। देखो अपने को क्या करना पड़ता है कि आयतन को अधिकतम करना है, तो टू वेरिएबल को वन वेरिएबल में एक चर में बदलना पड़ेगा दी हुई चीजों का यूज करके। तो एल दिया हुआ था उसका यूज करके अपन ने इसको ऐसे लिख लिया। अब अपन इसका एच के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो डी वी बाई डी एच बराबर पाई बटे तीन, एल स्क्वायर इंटू एच का अवकलन होगा एच का वन, एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, और एच क्यूब का होता है थ्री एच स्क्वायर, अंदर गुणा करके अवकलन कर दिया। अधिकतम और न्यूनतम के लिए फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम के लिए डी वी बाई डी एच बराबर जीरो, करने का मतलब पाई बटे तीन एल स्क्वायर माइनस थ्री एच स्क्वायर बराबर जीरो, यहाँ से एच निकाल लो। तो देखो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा थ्री एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर क्या होगा एल स्क्वायर बटे तीन, और एच क्या होगा प्लस माइनस एल बटे रूट तीन, लेकिन माइनस की तो लेनी नहीं है, ऊंचाई प्लस की होती है, तो एल अपॉन रूट तीन तो एच का मान आ गया। अब अपने प्रथम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से प्रथम अवकलन परीक्षण से चेक कर लेंगे कि अधिकतम है या न्यूनतम है इस वैल्यू पर। तो एच बराबर एल अपॉन रूट तीन पर, अब देखो यह है डी वी बाई डी एच, इसमें एच का मान अधिकतम बात माइनस की है, तो ये माइनस से स्टार्ट होगा माइनस प्लस। तो अब देखो डी वी बाई डी एच का मान आपका धन से ऋण हो रहा है, इसका मतलब जो आपकी एच बराबर एल अपॉन रूट थ्री है ना, आपका लिखना है हेयर द साइन ऑफ डी वी बाई डी एच इज ए पॉजिटिव टू नेगेटिव एट एच इक्वल टू एल बाई रूट थ्री। सो एच इक्वल टू रूट थ्री पर आपकी जो आयतन क्या होगा वो, सो द वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट एल बाई रूट थ्री, एच बराबर एल बाई रूट थ्री, तो एच बराबर एल बाई रूट थ्री पर आयतन अधिकतम होगा, आयतन अधिकतम होगा, ये एक चीज तो सिद्ध हो गई। साथ ही अपने को अधिकतम सिद्ध करने के साथ अर्धशीर्ष कोण टेन इनवर्स रूट टू निकालना है। तो देखो थोड़े से मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, तो आपको मतलब टेन इनवर्स रूट टू यानी टेन थीटा निकालना है। तो देखो आप एस तो निकला हुआ है, आर और निकाल लो, तो यहां से आर देखो क्या होगा, आर स्क्वायर तो होगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और आर होगा त्रिज्या प्लस की, यानी तो अपने को स्क्वायर प्लस का लेना है, ये आर स्क्वायर तो ये है, और आर होगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच, एच का मान ये है एल स्क्वायर अपॉन तीन, और ये हो जाएगा तीन में से गया तो दो, दो बटे तीन एल स्क्वायर, जो जाएगा रूट दो बटे रूट तीन एल, किसका मान आर का मान। अब टेन थीटा देखो क्या होगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पे आर और आधार है आपका, देखो थीटा के सामने वाला लंब होता है, आधार है एच, तो R का मान आया रूट टू अपॉन रूट थ्री एल, और H का मान आया L अपॉन रूट थ्री, तो रूट थ्री से रूट थ्री, L से L, ये आया रूट टू, तो आपका थीटा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स रूट टू, और
यही आपको सिद्ध करना था बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 24, अब आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या का है, इसमें आपको अलेखीय विशेष को हल करना है। तो देखो ये सिंपल सा प्रश्न था, आज अपन इतना ही करेंगे क्योंकि लाइटिंग की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं आ रही है। और ये जो आगे के जो 6 नंबर के प्रश्न है ना 26 से 30, वो आपको मैं आगे कल भेज दूंगा, कल वाले पार्ट में। तो एक बार मैं आपको इतना ही भेजता हूँ, तो एक बार लास्ट इसको देख लो फटाफट। ये आपका उद्देश्य फलन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और तीन ये आपके कंस्टेंट है, 4, ये 2, 3 और ये 4। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, दी गई व्यवरोध को आपको असमिका को, दी गई असमिका को आपको बदलना पड़ता है किसमें, समीकरण में। तो सबसे पहले दिए गए असमिका को समीकरण में बदलते हैं, तो 4x + 6y = 60। तो यहाँ से अपने को लाइन बनाने के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स वाई, एक बार वाई जीरो रखते हैं, एक बार एक्स जीरो। वाई जीरो रखेंगे तो एक्स 15 आएगा, एक्स जीरो रखेंगे तो वाई आएगा आपका 10। और इसका 70 देखो लेस देन इक्वल टू है, तो ये 70 आपका होगा मूल बिंदु की ओर, इनवर्ड ओरिजिन है ना, तो मूल बिंदु की ओर होगा। दूसरा देखो 2x + y = 20, इसमें होगा एक्स वाई, एक बार वाई जीरो, एक बार एक्स जीरो। वाई जीरो करते हैं तो एक्स 10, एक्स जीरो करते हैं तो वाई 20। तो इसका क्षेत्र भी मूल बिंदु की ओर होगा, क्योंकि ये साइन से ही पता लग जाता है। अब देखो चित्र बनाते हैं इसका। सबसे पहले 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15 और 20। तो सबसे पहले इसके लिए देखते हैं 15, 0, 15, 0 ये रहा, इसको ए नाम दे दो, और 0, 10, 0, 10 ये रहा, इनको मिला दो, एक लाइन रही मिल जाएगी। दूसरी देखो 10, 0, 10, 0 और 0, 20, 0, 20, इनको मिला दो, एक लाइन मिल जाएगी। 70 दोनों का मूल बिंदु की तरफ है, और x ग्रेटर देन 0 का मतलब है इधर इस तरफ, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब इस तरफ। तो आपको ये कॉमन एरिया है, ये बिंदु निकालना है। तो देखो ये बिंदु में आपको इन दोनों को हल करके निकालना पड़ेगा, तो इसको आप 2 से गुणा कर दो, तो ये 4x 4x, तो 2 से गुणा करके 4x + 6y = 60। इसको 2 से गुणा करेंगे तो देखो 4x + 2y = 40, कटाओ माइनस माइनस माइनस, 4y = 20, y = 5, तो y = 5 इसमें रखोगे, इसमें रख दो y = 5, तो 2x = 15, यानी x = 15 रख दो, तो यह है 15 + 2 = 5। अब आपको क्या करना पड़ता है, इधर तो z लिखना पड़ता है 2x + 3y, और इस तरफ आपको करना पड़ता है कॉर्नर पॉइंट सीपी, कोणीय बिंदु। तो एक तो है आपका ये 0, 0, एक आपका ए, इसको ए मान लो, ए है 10, 0, जो आपको क्षेत्र में पड़ रहे हैं वो बिंदु ही लेने हैं। तो एक तो ये पड़ रहा है, एक ये, एक ये और एक ये, और बी है 15/2, 5, और सी है 0, 10। इन सबको रख पे जेड की वैल्यू निकालनी है, तो 0, 0 पे तो 0, 10, 0 पे आई वैल्यू 20, 15/2 और 5 पे वैल्यू आएगी 30, और इस पे भी आएगी 30। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, सेम है। तो आपको देखो क्या लिखना है कि रेखाखंड BC पे, रेखाखंड BC पे जेड की समान वैल्यू है, तो आपको अधिकतम निकालना है। तो देखो अधिकतम तो ये 30 ही है, और ये दो जगह समान आ रहा है, तो आपके अधिकतम के दो बिंदु होंगे, एक तो बी और एक सी, जो कि रेखाखंड BC पे स्थित होंगे। तो रेखाखंड BC पे स्थित दो बिंदु 15/2 और 5/2, और दूसरा है 0, 10 अधिकतम बिंदु है, तथा अधिकतम मान 30 है। और तो इन बिंदुओं पर इस LPP का हल क्या होगा, 30, और ये आपके रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या का 25वां प्रश्न है। बाकी के प्रश्न अपन बाद में देखेंगे, मैंने आपको बता दिया थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट पार्ट में भेज दूंगा। एक बार 25 तक आप इनका सॉल्यूशन चेक कर लो। थैंक यू, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।